नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है। फिटर थ्योरी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हैक्सा और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन 1, अलग अलग मानक लंबाई के ब्लेड किस फ्रेम में पकड़े जा सकते हैं? ऑप्शन ए ठोस फ्रेम, ऑप्शन बी सख्त फ्रेम, ऑप्शन सी फिक्स फ्रेम, ऑप्शन डी समायोजित फ्रेम। तो इसमें ऑप्शन सही है डी समायोजित फ्रेम। एक से अधिक मानक माप स्टैंडर्ड साइज वाला हेक्सा ब्लेड जिस फ्रेम में पकड़ा जाता है कहलाता है। ऑप्शन है ए फिक्स हेक्सा फ्रेम, बी ट्यूबुलर हेक्सा फ्रेम, सी एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम या डी डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो इसका आंसर है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। हेक्सा ब्लेड को फ्रेम में पकड़ने पर होना चाहिए। ऑप्शन है ए दांते हत्थे की ओर, ऑप्शन बी दांते बिंगनट की ओर, ऑप्शन सी दांते दाएं हाथ की ओर, ऑप्शन डी दाएं किसी भी दिशा में। तो इसमें सही उत्तर है दांते बिंगनट की ओर होने चाहिए। संकीर्ण तथा लंबे जॉब को हस्त हेक्सा से काटने के लिए इसमें ऑप्शन है ब्लेड को ऊर्ध्वाधर पकड़ना चाहिए, ऑप्शन बी ब्लेड की ग्रेड को बदलना चाहिए, ऑप्शन सी हेक्सा फ्रेम को बदलना चाहिए, ऑप्शन डी ब्लेड को अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले तरीके से बदलकर समकोण में पकड़ना चाहिए। इसमें ऑप्शन डी सही है। पीतल और तांबे के पाइप को काटने के लिए किस पिच का हेक्सा ब्लेड उपयुक्त है? ए 0.8 mm, बी 1.00 mm, सी 1.40 mm, डी 1.80 mm। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि पीतल और तांबे के पाइप को काटने के लिए उपयुक्त पिच 1 mm की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतले पाइप कर्तन के लिए किस पिच का हेक्सा ब्लेड उपयुक्त है? ऑप्शन है 0.8 mm, 1.0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm। इसका आंसर है 0.8 mm, यानी कि पतले पाइप को काटने के लिए 0.8 mm का हेक्सा ब्लेड प्रयोग करेंगे। हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की कौन सी पिच उपयुक्त है? ऑप्शन है 0.8, 1.0, 1.4 mm, 1.8 mm। इसका सही आंसर है 1.40 mm, यानी कि हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए 1.40 mm की ब्लेड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 mm डायमीटर के माइल्ड स्टील को काटने के लिए कौन सी पिच उपयुक्त है? ऑप्शन है 0.8 mm, 1.0 mm, 1.4 mm या 1.8 mm। इसमें सही आंसर है 1.8 mm, यानी कि 16 मीटर डायमीटर की माइल्ड स्टील की किसी भी रॉड को काटने के लिए 1.8 mm पिच की ब्लेड उपयुक्त है। नेक्स्ट है पतले खंड के पदार्थ को हेक्सा ब्लेड से काटते हैं तो देखा जाता है कि पतली दीवारों वाली जॉब तथा कर्तन शुरू करते समय ब्लेड के दांते बार बार टूटते हैं, इसका क्या कारण है? ए हाथ का बल भार अधिक है, बी कटिंग का भाग बहुत पतला है, सी कोर्स पिच का ब्लेड इस्तेमाल नहीं हुआ है, डी हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही कार्य कर रहा है। इसमें ऑप्शन डी सही है। धातु को काटते समय सामान्य तौर पर हेक्सा ब्लेड टूटने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए ऊष्मा की उत्पन्न, ऑप्शन बी गलत पिच के ब्लेड का उपयोग, ऑप्शन सी दांतों की गलत सेटिंग का चुनाव, ऑप्शन डी घिसी हुई चूड़े वाले नट का प्रयोग। इसमें ऑप्शन सी सही है, दांतों की गलत सेटिंग का चुनाव। एक नया आरी ब्लेड कुछ स्ट्रोक के बाद ढीला हो जाता है, उसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए ब्लेड का खींचना, ऑप्शन बी ब्लेड की गलत पिच, ऑप्शन सी सॉ सेट का अनुचित चयन, ऑप्शन डी घिसी हुई चूड़ी वाले नट का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन ए सही, यानी कि ब्लेड का खींचना। छोटे व्यास की पाइप को काटते समय लगातार नजर बनाए रखें तथा सुनिश्चित करें कि ऑप्शन ए कार्य अधिक गर्म न हो, ऑप्शन बी जो कट लगाया जा रहा है वक्र रेखा पर हो, ऑप्शन सी अधिक दांते संपर्क में रहें, ऑप्शन डी हेक्सा का सही संतुलन बनाकर रखें। इसमें ऑप्शन बी सही है, जो कट लगाया जा रहा हो वक्र रेखा पर हो। हेक्सा से कटिंग करते समय चिप्स का ब्लेड में फंस जाने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? अधिक मोटाई का जॉब, नर्म धातु की कटिंग, कोर्स पिच के ब्लेड का प्रयोग, गलत हेक्सा का चुनाव।
इसमें ऑप्शन जो सही है वो है नर्म धातु की कटिंग। पतली जॉब को काटते हुए या कटिंग की शुरुआत करते हुए ही हैक्सा ब्लेड के दांते अधिकतर टूटते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए हाथ द्वारा अधिक बल का प्रयोग करना, ऑप्शन बी कटिंग के भाग का बहुत छोटा होना, ऑप्शन सी कोर्स पिच के ब्लेड का चुनाव नहीं करना चाहिए, ऑप्शन डी कुछ दांतों तक हाथों के बल का प्रयोग करना। ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में हैक्सा के चिन्हित भाग एक्स का नाम बताइए। तो एक्स भाग का नाम है लंबाई समायोजन के लिए छेद के साथ समायोज फ्रेम। हैक्सा द्वारा कटिंग समाप्त करते समय दबाव देना चाहिए। ऑप्शन हैं कम, अधिक, सामान्य, अत्यधिक। तो हैक्सा द्वारा कटिंग समाप्त करते समय कम दबाव देना चाहिए। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में पार्ट एक्स का नाम बताइए। तो पार्ट एक्स का नाम है रोलर गाइड वेक्टर। अगला सवाल है, चित्र में दिखाई गई मशीन का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है पावर सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए कौन सी कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। पावर सा, कंटूर सा, सर्कुलर सा, हॉरिजॉन्टल बेंड सा। तो सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आरी सामग्री को किसी भी रूपरेखा में काट सकती है। ऑप्शन है पावर सा, कंटूर सा, सर्कुलर सा या हॉरिजॉन्टल बेंड सा। इसमें ऑप्शन सही है सर्कुलर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान उद्देश्य के लिए पावर सा से काटने के लिए कौन सी पिच का ब्लेड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रति 25 mm 8 दांते, प्रति 25 mm 10 दांते, प्रति 25 mm 14 दांते, प्रति 25 mm 16 दांते। इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हैक्सा में चक्रीय गति को रेखीय गति में बदलने के लिए क्या लगा होता है। ऑप्शन हैं कैम, क्रैंक, प्लंजर, स्लॉटेड लिंक। तो इसमें क्रैंक की सहायता से रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हैक्सा में ब्लेड की लंबाई से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन हैं ब्लेड की पूरी लंबाई, सुराखों के बीच की दूरी, ब्लेड पर दांतों के कट की पूरी दूरी या सुराखों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसमें ऑप्शन सही है ब्लेड की पूरी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन की कटिंग के लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग होता है। हवा, पानी, मिट्टी का तेल या सॉल्युबल ऑयल। कास्ट आयरन सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, ये हवा द्वारा कूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई छेनी का नाम बताइए। चित्र में जो छेनी दिखाई गई है वो है क्रॉस कट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी बनी होती है निम्न कार्बन स्टील या उच्च गति इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात या मध्य कार्बन इस्पात। तो छेनी जो है उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। सामान्य तौर पर छेनी किस लंबाई में उपलब्ध होती है। ऑप्शन है 25 से 50 mm, 25 से 100 mm, 100 से 200 mm या 150 से 250 mm। तो छेनी की लंबाई जो सामान्य तौर पर है वो है 100 से 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में खांचे की चिपिंग कैसे करेंगे क्रॉस कट छेनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सुराखे बनाने में, ऑप्शन बी कीवे काटने में, ऑप्शन सी पतली धातु की चादर काटने में, ऑप्शन डी किनारों में सामग्री को वर्गाकार करना। तो क्रॉस कट छेनी का प्रयोग होता है कीवे काटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट छेनी का प्रयोग किया जाता है सुराख बढ़ाने में, कीवे काटने में, पतली धातु की चादर काटने में या किनारों से मटेरियल हटाने में। तो इसका प्रयोग किया जाता है पतली धातु की चादर काटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड नोट छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो राउंड नोट छेनी का प्रयोग सुराख बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सुराख बढ़ाने में, कीवे काटने में, पतली धातु की चादर काटने में, किनारों में सामग्री को वर्गाकार करने में। तो इसमें ऑप्शन सही है किनारों में सामग्री को वर्गाकार करने में प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े में आई होल जो बना होता है वो अंडाकार होता है तथा केंद्र की ओर टेपर होता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर है, यह हैंडल और वेज को समा लेता है जिससे हथौड़ा कार्य करते समय बाहर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल की अर्थ बियरिंग पर ऑयल ग्रुप काटने के लिए कौन सी छेनी उपयुक्त है? ऑप्शन है फ्लैट छेनी, वेब छेनी, क्रॉस कट छेनी या हाफ राउंड छेनी। तो इसमें सही उत्तर है हाफ राउंड छेनी। मशरूम हेड छेनी के प्रयोग से चिपिंग करने में क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं, कटिंग एज दिखाई नहीं देगा, हथौड़े द्वारा सीधी चोट लगाना मुश्किल होगा, हैमर द्वारा सही फोर्स नहीं लगाया जा सकेगा, हेड से धातु के टुकड़े टूट सकते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े का आई होल अंडाकार है और केंद्र की ओर टेपर है, क्योंकि? ताकि हत्थे में बेज को बिठाया जा सके, भार कम करने के लिए, उत्पादन करना आसान होता है, या हथौड़े से चोट मारने के लिए शक्ति कम लगती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट सरफेस पर चिपिंग करते समय अगर छेनी किनारे की तरफ कटिंग करने लगे तो इसके दोष का क्या कारण है? ऑप्शन है, कटिंग का बल केंद्र में लग रहा है, झुकाव का कोण आवश्यकता से कम है, छेनी के किनारे गोल नहीं किए गए हैं, कटिंग एज आवश्यकता से अधिक है। इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट छेनी पर उसकी कटिंग धार उत्तल बनाई जाती है, क्योंकि? तीखे किनारों की कटिंग के लिए, गोल सतहों की कटिंग के लिए, शाफ्ट पर कीबे काटने के लिए या किनारों पर कटाई रोकने के लिए। इसमें ऑप्शन डी सही है, किनारों पर कटाई रोकने के लिए। कौन सी छेनी का प्रयोग कीबे काटने के लिए होता है? फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, राउंड नोज छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसमें ऑप्शन सही है क्रॉस कट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपिंग करते समय कहाँ ध्यान रखना चाहिए? हाथ की पकड़ पर, छेनी के हेड पर, हथौड़े के सिरे पर या छेनी की कटिंग एज पर? तो छेनी की कटिंग एज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पार्ट एक्स का नाम बताइए। तो एक्स भाग है चीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में हैमर कौन सा है? तो हैमर जो है वो है क्रॉस पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले हथौड़े का भार होता है 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम? तो उत्तर है 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े का कौन सा भाग हत्थे को लगाने के काम आता है? फेस, पीन, चीक, आई होल? तो उत्तर है आई होल। धन्यवाद।